नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं दोस्त? आज हो आप सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने एक कॉलेज में ब्लॉग बनाया था, आज भी मैंने एक कॉलेज में ब्लॉग बना रहा हूँ जहाँ से मैं बीकॉम पास आउट किया हूँ। तो झुंझुनवाला पीजी कॉलेज में अपना पूरा दिखाते हुए चलूँगा, आप सबको भी अपने कॉलेज का बहुत सारा इन्जॉयमेंट भी दिखाऊँगा। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं अपने घर से दूर निकल आया हूँ, तो ये हम यूनिवर्सिटी के पास पहुँचे हैं। तो हम बाईपास होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, त्रेटा एक रेस्टोरेंट भी है, त्रेटा कैफे है, और इस बगल में यहीं गीता हुंडा एजेंसी भी है। तो हम इस रोड से होते हुए जा रहे हैं। पास में भी यहीं रामजी समोसा, जो बहुत ही फेमस हैं, वो भी यहीं दुकान है उनकी। तो हम यहाँ से निकल गए हैं। तो अपने कॉलेज के लिए रोड से जाते हुए सब कुछ वहाँ पर रोड का पूरा व्यू दिखा रहे हैं, कितने लोग आते जाते हैं, कितनी भीड़ रहती है, तो वहाँ सबको ये सब दिखा रहे हैं। ये सुल्तानपुर का हाईवे रोड है जहाँ से हम जा रहे थे, और अपने कॉलेज के मेन गेट के बीच पहुँच चुके हैं। मेरे कॉलेज का मेन गेट है, जो कि यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। मेन गेट है मेरे कॉलेज का, यहाँ पर सब गार्ड साहब खड़े हुए हैं। यहाँ पर विदाउट ड्रेस में जाना सख्त मना है, क्योंकि सख्त है, चोरी का ऑर्डर है कि किसी को विदाउट ड्रेस अंदर ना आने चाहिए, इसलिए गार्ड साहब बहस कर रहे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, फुहारा टाइप में काफ़ी ऊंचा उठता है फुहारा। यहाँ से अपने कॉलेज के अंदर कदम रख चुके हैं। ये मेरे कॉलेज का हरा भरा चारों तरफ से है, बीच में जाने का रास्ता, चारों तरफ से पेड़ पौधे फूल वगैरह लगे हुए हैं। तो आप सबको दिखाते हुए चलेंगे कि कितना अच्छा बना हुआ है झुंझुनवाला पीजी कॉलेज। काफ़ी मेहनत भी की जाती है इसमें साफ़ सफाई के लिए। देख लीजिए, चारों तरफ से साफ सफाई है, आरी बगल पेड़ ही पेड़ हरे हरे दिख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि इस जो KM शुगर मिल के मालिक हैं, उन्होंने ये बनवाया है, काफ़ी पैसा भी लगा है। तो यहाँ पे चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है। यहाँ से बच्चे आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये भी एक गेट है जिसकी तरफ से बच्चे अपने क्लासरूम में जाते हैं। तो यहाँ पर जैकवार कार जो है हमेशा खड़ी रहती है, तो बच्चे यहाँ इसके पास फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं, स्टोरी वगैरह लगाने के लिए। काफ़ी महंगी काफ़ी अच्छी कार है। तो ये देखिए, यहाँ पे आंटी जी सफाई भी कर रही हैं। यहाँ से रिसेप्शन के जाने का रास्ता, ये हमारे सीधे रिसेप्शन के पास ले जाता है। उसके बाद रिसेप्शन से होते हुए हम सब सीधे अपने क्लासरूम के बगल से निकलते हुए सीधे अपने लाइब्रेरी की तरफ से जाते हुए हम यहाँ क्लासरूम दोनों तरफ से दिए बनाए गए हैं। बीच में गमले रखे हुए हैं, साइड साइड में गमले रखे हुए हैं। काफ़ी हरियाली है इस कॉलेज में। तो ये मेडिकल साइंस का है कि दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ हम आए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे मेडिकल साइंस लिखा हुआ भी है। ये मेडिकल साइंस की बिल्डिंग है जो हम आपको पूरी अंदर तक दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे दो दोस्त भी हैं जो हमारे आगे चल रहे हैं, इनको भी आपको दिखाते ही रहेंगे। आगे अंदर भी काफ़ी अच्छा बिल्डिंग वगैरह बनी है, काफ़ी अच्छी क्लासरूम है, और यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, हरा भरा रहता है चारों तरफ से ही। काफ़ी पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे बगल में हमारा कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे हर प्रोग्राम होता था। उसके बाद हम वहाँ से निकल रहे हैं कम्युनिटी हॉल के पास। ये देखिए, हमारा प्ले ग्राउंड है जहाँ पर हमारा क्रिकेट मैच गेम वगैरह होता था। उसके बाद हम यहाँ से धीरे धीरे बाहर की तरफ चल रहे हैं अपना कॉलेज दिखाते हुए। तो ये देखिए, बिल्डिंग वगैरह कितनी अच्छी अच्छी बनी है, उसके आड़ी बगल भी पेड़ भी काफ़ी लगे हुए हैं ताकि हमेशा ठंडी ठंडी हवा आती रहे। ये यहाँ पे भी ये गार्डन है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं, मस्त मौज मस्ती करते हैं। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था दी गई है। तो हम यहाँ से धीरे धीरे अपने कैंटीन की तरफ चलेंगे। ये रास्ता मेरे कैंटीन को जाता है। इधर भी क्लासरूम वगैरह है, मतलब काफ़ी बड़ा बना हुआ है झुंझुनवाला पीजी कॉलेज। इसमें काफ़ी बच्चे आते भी रहते हैं। इसमें बीकॉम, बीएससी, एमबीए, बीबीए, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मेडिकल साइंस आदि सब्जेक्ट वगैरह आदि विषय यहाँ पे पढ़ाया जाता है, आदि कोर्स कराए जाते हैं डिप्लोमा वगैरह के। काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है कि बड़ा सा कॉलेज है, चारों तरफ से हरियाली रहती है। और ये है हमारी कैंटीन, जो कि हम कैंटीन के अंदर अब जा रहे हैं। तो आपको अपनी कैंटीन दिखाएंगे, कितनी साफ़ सुथरी में सब बनी रहती है, कोई गंदगी नहीं थी। यहाँ पे बच्चे आते रहे, खाते हैं, जाते हैं। काफ़ी बड़ा है कैंटीन हमारा झुंझुनवाला पीजी कॉलेज का। चाहे जितने बच्चे आके एक बार में बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा यहाँ पे शर्मा। तो हम सब भी आए थे अंदर, तो अब हम सीधे बाहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि घर जाने के लिए भी लेट हो रहा था। तो हम घर जाएंगे सीधे, तो घर जाते हुए सब कुछ भी होगा हम झुंझुनवाला का दिखाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये दूसरा गार्डन है, इसके पास से हम गुजर रहे थे। तो ये सब आपको हम दिखाते हुए चलेंगे। ये यहाँ से निकलते हुए हम दिखा रहे हैं,
यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी गई है, ये रिसेप्शन है, रिटर्न हो रहे हैं। तो हम रिटर्न होते हुए रोड की तरफ से पूरे कॉलेज का व्यू लेते हुए हम चल रहे हैं, क्योंकि हम कॉलेज की व्यू के बारे में आपको बता ही चुके हैं। तो हम चल रहे हैं साथ में, हमारे वाला के दोस्त लोग हैं, सब लोग साथ में हैं। हम जूनियर वाला कॉलेज से बाहर जा रहे हैं, तो आप लोग को बाहर का दिखाएंगे।